नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल में। फिर से एक बार मैं हूँ आपकी वही अंजलि। काश एक दिन ऐसा भी आए हम तेरी बाहों में समा जाए, सिर्फ हम हो और तुम हो और वक्त ही ठहर जाए। जी हाँ, आपने सही सुना, हम आज के रिले राशिफल की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आज इनका बर्थडे है या एनिवर्सरी है, उनको मेरी तरफ से ढेर सारे गुड विशेस। तो चलिए अब शुरू करते हैं। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है जिंदगी उसी के आगे सर झुकाती है। जो अपने में कुछ पाना चाहते हैं वो समुन्द्र में भी पत्थरों के पुल बना लेते हैं। अगर आप भी कुछ जिंदगी में पाना चाहते हो, कोई सक्सेस चाहते हो, तो हिम्मत मत हारना, आप वो सब कर सकते हो जो आप सोच सकते हो। हमने तो सच्चे किस्से शराब खाने में सुने, वो भी हाथों में जाम लेकर, और हमने तो झूठे किस्से अदालत में भी सुने हैं, वो भी गीता और कुरान लेकर। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, जिंदगी से प्यार करो। अगर हो रात तो सुबह का इंतजार करो, वो पल भी आएगा जिसका तुझे इंतजार है, बस उस खुदा पर भरोसा और वक्त पर एतबार करो। आपको भी वक्त पर एतबार करना चाहिए कि एक दिन हमारा वक्त जरूर आएगा। अगर ऐसी सोच होगी तो जरूर आएगा। जिंदगी में जीत और हार है किसके लिए, एक दूसरे में इतनी तकरार है किसके लिए। जो आया है इस दुनिया में एक दिन वो जाएगा, ऐ इंसान तो तुझे इतना गुमान है किसके लिए। सबसे पहले आज जो है आपके लिए लकी रंग रहने वाला है, वो रहने वाला है पिंक यानी कि गुलाबी कलर। और जो लकी आज नंबर बन रहा है वो नंबर 5 बन रहा है। आज के दिन आपको भाग्य का साथ मिलने का है, यूँ कहें तो भाग्य आपके पक्ष में रहेगा। कुछ परिस्थितियाँ बिना किसी प्रयास के आपके पक्ष में बन सकती हैं अचानक से। जो आप करना चाहते हैं या पाना चाहते हैं वो आज आपको बहुत ही आसानी से सुलभ हो सकता है, मिल सकता है। वहीं आज जैसा आप चाहोगे वैसा हो सकता है। आपको विपरीत परिस्थितियों में भी अपने लिए कुछ पॉजिटिव मिल सकता है। आज आपको आध्यात्मिक प्रगति करने के भी बहुत ही बढ़िया अवसर मिलने वाले हैं। अपना जो ज़्यादातर समय है अगर आज आप धार्मिक कार्यों में लगाते हैं या फिर मेडिटेशन में लगाते हैं तो यकीन मानिए बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेंगे आपको। आध्यात्मिक की बहुत ही तरक्की होगी और आर्थिक चीज़ों में या स्टूडेंट्स जो हैं उनमें बहुत ही फोकस रहेगा, जिससे जो है काम करने में आपको बहुत ही मन लगेगा और ज़रूर आप सक्सेस हासिल कर पाएंगे। पिछले कुछ समय से चल रही समस्याओं का समाधान भी मिल सकता है। राहत और सुकून मिलने की आशंका नज़र आ रही, बहुत ही बढ़िया रहेगा। आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं आएगी, सभी काम जो हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से होते नज़र आएंगे, पूरा फोकस रहेगा, ध्यान रहेगा, मेहनत के अनुसार ही आपको उचित रिजल्ट मिलेंगे। प्रतिस्पर्धा के कार्यों में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ सकती है कई लोगों को, क्योंकि हारने का डर आप पर हावी हो रहा है, जिसकी वजह से आपके अंदर जो है नेगेटिव विचार भी उत्पन्न हो सकते हैं। अपने ईगो पर बस काबू रखिए और अपने अंदर नेगेटिव विचार जो है दूर रखिएगा। मैं तो यही सलाह दूंगी, बस आगे बढ़ते जाइए और पॉजिटिव सोच रखिए, बाकी सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। साथ ही में आज के दिन आपके लिए खुद का कुछ काम शुरू करने का भी हो सकता है। जो लोग नया काम शुरू करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। अगर आप में कोई विशेष गुण है, ज्ञान है, या आप अपनी किसी खूबी को करियर का रूप देना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए, प्लानिंग करके उसे ज़रा जो है क्रियान्वित कीजिएगा। आपको अपने लिए फिर से नए सिरे से सोचने की आवश्यकता पड़ सकती है, तो ज़रूर सोचिएगा। दिन आपके लिए लाभ देने वाला हो सकता है, अपनी कोशिश जारी रखिएगा। सरकारी काम जो है रुके हुए थे वो भी आपके पक्ष में रहेंगे, कंप्लीट होते नज़र आ रहे हैं। साथ ही में सितारे कहते हैं कि आज आप भावुकता के बजाय व्यवहारिक तरीके से अपनी कार्य प्रणाली से रिलेटेड योजनाएँ बनाएंगे और कुछ इम्पॉर्टेंट लोगों के साथ आपका दोस्ताना भी होगा, जो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। युवा वर्ग को अपनी पहली इनकम आने से बहुत ही खुशी रहेगी। और याद रखिए, अपनी पहली इनकम अपने माता पिता को दीजिए, क्योंकि आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो अपने माता पिता की बदौलत, इसको मत भूलिएगा। वहीं आज स्टूडेंट्स जो हैं अपनी पढ़ाई के प्रति तनाव या हो आज तनाव को लेकर जो है कुछ मनोयोग या ध्यान केंद्रित नहीं हो पाएगा, यानी फोकस मिट सकता है, जिससे जो है आपका जो टेंशन वाला माहौल बना रहेगा, काफ़ी ज़्यादा मायूस भी दिख सकते हैं स्टूडेंट्स। दूसरों की बातों पर मत आइए प्लीज़, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपनी कार्य क्षमता पर भरोसा रखें, आप किसी से कम नहीं हैं।
कोई कोर्ट केस अगर मामला चल रहा है तो बहुत ही सावधानी से काम करें, यकीन मानिए सब कुछ नॉर्मल होता नजर आएगा और आपके पक्ष में फैसला भी रहेगा। बात करते हैं बिजनेस और करियर की, तो आज अपनी व्यवसायिक गतिविधियों को आज सीक्रेट रखिएगा, क्योंकि आपकी जो योजनाएं हैं दूसरों के समक्ष जाहिर हो जाएंगी, वो काम बिगड़ सकता है। काम में परिवार वालों का साथ भी मिलेगा जिससे तनाव कम होगा, बहुत ही सपोर्ट मिलने वाला है आपको अपने पेरेंट्स का। जॉब में मन नहीं लगेगा आप में से कुछ लोगों का, बोरिंग महसूस कर पाएंगे कि रोज़ के फालतू फालतू वही काम, सुबह उठना जाना और खाना और सोना, ऐसा फील कर सकते हैं कि बड़ी बोरिंग सी लाइफ हो चुकी है। अरे इसको जरा थोड़े से अच्छे नज़रिए से देखें, सब कुछ ठीक नज़र आएगा। अपने दिन की जो एक्टिविटीज़ हैं उसको बदलिएगा तो सब काम आपके फोकस में रहेंगे, बहुत ही बढ़िया होगा। और हाँ, जो लोग नए काम की तलाश कर रहे हैं उनको काम भी मिल सकता है, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं आपको। आज सितारे यह भी कहते हैं कि आज व्यवसाय में मेहनत के अनुरूप आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही में आज सभी गतिविधियां सुचारू रूप से चलती नजर आएंगी, बहुत ही जल्दी कंप्लीट काम होगा। संपर्क सूत्रों के द्वारा आपको इम्पोर्टेंट अनुबंध भी मिल सकते हैं, लेकिन नौकरी पेशा व्यक्तियों को आज छुट्टी में भी अपना काम पूरा करना ही पड़ेगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है काम करना। करियर के लिहाज से देखा जाए तो दिन आपको सफलता दिलवाने वाला होगा, आप अपनी टारगेट्स को बड़े ही आसानी से और इजीली पूरे कर पाएंगे। साथ में आपको बस ध्यान रखना है और कुछ नहीं है, बाकी सब कुछ गतिविधियाँ नॉर्मल मालूम होती नजर आ रही हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के लव लाइफ के बारे में। आज के लव लाइफ कहते हैं कि आज आपका रोमांटिक मूड जीवन साथी के साथ जो रिलेशंस हैं उनको और भी ज़्यादा खुशनुमा बना सकता है। प्रेम संबंध भी मर्यादित रहेंगे, अपने लिमिट्स में रहेंगे तो ही सफलता मिल पाएगी। आज वैवाहिक जीवन के लिए समय बढ़िया है, प्रेम संबंधों में कई लोगों को समस्याएं आ सकती हैं। आज जीवन साथी के साथ कोई तनाव वाली स्थिति भी बन सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तनाव की वजह से थोड़ा बहुत आप टेंशनें ले सकते हैं आप दोनों पति पत्नी। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर ऐसी चिंता रहेगी, लेकिन पारिवारिक जनों और का एक दूसरे के साथ जो है बहुत ही बढ़िया रिलेशन रहेगा, पूरा पूरा साथ और सपोर्ट मिलेगा, मित्र भी आपकी मदद कर सकते हैं हर चीज़ में। तो चलिए बात करते हैं आज के स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य कहता है कि तनाव की वजह से मांसपेशियों में दर्द रहेगा, आपको व्यायाम और एक्सरसाइज करनी चाहिए, एक्सरसाइज मत छोड़िएगा, और डाइट ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, योगा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी कीजिएगा। वहीं आज आपको घुटनों में दर्द हो सकता है, कई लोगों को हो सकता है, स्पेशली बुजुर्गों को ध्यान रखिए। अगर जोड़ों में कोई पुरानी समस्या है तो सावधानी बरतनी होगी। आपको आज अपनी मेंटल हेल्थ पर फोकस करना है, इसके लिए मेडिटेशन बहुत ही बढ़िया चीज़ है। गलत खान पान की वजह से पेट खराब हो सकता है, आपकी बहुत ही बुरी आदत है, खा पी कर बस बैठ जाते हैं, चाहे वो ऑयली फूड खाते हैं, जंक फूड्स, भारीपन, ये चीज़ें आप खा कर बैठ जाते हैं, चलते फिरते नहीं हैं। अरे जब तक चले फिरेंगे नहीं तो खाना पचेगा कैसे ठीक से, तभी तो आपको जो है शारीरिक प्रॉब्लम आती है, इसलिए ज़रा खा पीने के बाद चलते फिरते रहिएगा। अपना ध्यान रखिए, बहुत ही बढ़िया नतीजे देखने को मिल सकते हैं अगर आप फोकस करेंगे तो। चलिए बात करते हैं अंत में अब विशेष उपाय के बारे में। तो आज आपके लिए विशेष उपाय रहेगा कि आज आपके घर में कोई भी कांच अगर टूटा हुआ है या बर्तन भी है तो ज़रा उसे बाहर निकाल दीजिएगा, इससे जो है वास्तु दोष होता है। साथ में अगर कोई टूटी फूटी चीज़ें हैं वो भी निकाल सकते हैं, रुकी हुई घड़ी मत रखिएगा। और हाँ, आज आपको जो है घर के मुख्य दरवाजे पर जो है विंड चैन लगाना चाहिए, इससे बहुत सी पॉजिटिव ऊर्जाएं मिलती हैं। अगर आप ये नहीं लगा सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप जो है स्वास्थ्य का चिन्ह बना दीजिए, ओम लगा सकते हैं, या फिर घोड़े की नाल जो लगाते हैं उससे बहुत ही बढ़िया नतीजों को देखने को मिल सकता है, इससे जो है बुरी नज़र नहीं लगती है आपके घर में। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। धन्यवाद।